अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रिव्यूज एंड रिकमेंडेशंस लगातार लाता रहूंगा। आई बिलीव हर इंसान की दो माँ होती है, एक वो माँ जो उसे जन्म देती है और उसे दूसरा जन्म मिलता है माँ सरस्वती से। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि एजुकेशन हर इंसान का दूसरा जन्म होता है, क्योंकि मैं अगर आज एजुकेटेड नहीं होता तो मैं एग्जिस्ट तो करता पर शायद यहाँ नहीं होता जहाँ मैं आज हूँ। एजुकेशन हमारे समाज में सभी लोगों के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट सांस लेना या खाना खाना है। पर एजुकेशन को एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट करके, जहां एक तरफ संपन्न लोगों को सारी अपॉर्चुनिटीज किसी न किसी कीमत पर मिल जाती है, वहीं दूसरी तरफ केवल अफोर्ड ना कर पाने की वजह से अनगिनत बच्चों के भविष्य को स्ट्रगल, सर्वाइवल, अनसर्टेनिटी और लक की कभी ना खत्म होने वाली कतार में खड़ा कर दिया जाता है, जहां आपका नंबर कभी नहीं आता है। Z5 पर अभी अभी एक फिल्म परीक्षा रिलीज हुई है जो इक्वल राइट्स ऑफ एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज जैसे टॉपिक पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आशीष और फिल्मी डिजाइनर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। परीक्षा 2019 की सत्य घटनाओं पर आधारित हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है प्रकाश झा ने और मुख्य भूमिका में है आदिल हुसैन, प्रियंका बोस, संजय सूरी और शुभम झा। फिल्म की टोटल लेंथ है 1 घंटा 42 मिनट और ये 13+ एज ग्रुप फिल्म है, जिसे आप Z5 पर एंजॉय कर सकते हैं। ये फिल्म के कुछ पोर्शन बिहार के एक IPS ऑफिसर अभ्यानंद की रियल लाइफ से भी इंस्पायर्ड हैं, जो कि बिहार के नक्सल प्रभावित गांव के बच्चों को IIT जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन में मदद करते हैं। बिहार के छोटे से गांव में बच्ची जो कि रिक्शा चलाता है, अपने बेटे बुलबुल को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलाकर उसकी लाइफ बेहतर बनाना चाहता है। इसके लिए वो अपने बेटे को सरकारी स्कूल से निकाल कर एक बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में डालने का जोखिम उठाता है। बहुत जद्दोजहद के बाद किसी तरह उस स्कूल में बुलबुल का एडमिशन तो हो जाता है, पर उस स्कूल के खर्चे पूरे करने के लिए बच्ची का रिक्शा चलाना और उसकी पत्नी राधिका का मजदूरी करना पूरा नहीं पड़ पाता है, जिसके चलते बच्ची चोरी के गलत रास्ते पर निकल पड़ता है। एक तरफ बुलबुल, जिसे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ उसका पिता बुच्ची चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। अब बुलबुल की मेहनत रंग लाती है या फिर पिता के चोरी के इल्जाम की वजह से ये सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है, जानने के लिए आपको देखना होगा ये फिल्म ऑन Z5। इस फिल्म को लिखा, प्रोड्यूस किया और डायरेक्ट किया है प्रकाश झा ने, और उन्हें किसी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। प्रकाश झा ने हमेशा बहुत सेंसिटिव, सोशल और पॉलिटिकल थॉट प्रोवोकिंग फिल्मों के माध्यम से हमें एंटरटेन और एजुकेट किया है। इस फिल्म का प्लॉट और स्टोरी थोड़ा ड्रामेटिकल है, पर इंगेजिंग होने के साथ साथ फिल्म के फाइनल मैसेज को सक्सेसफुली अपनी ऑडियंस तक डिलीवर करती है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी एवरेज है, सभी लोकेशंस काफी रियलिस्टिक हैं और लुक ऑफ द फिल्म काफी ऑथेंटिक है। इस फिल्म की क्राफ्ट्समैनशिप के केवल दो ही मेन पिलर है, एक इसकी स्टोरी और दूसरा कलाकारों की एक्टिंग। सभी कलाकारों ने इस फिल्म में बहुत ही इंटेंस, रियलिस्टिक और ऑथेंटिक एक्टिंग की है। आदिल हुसैन, प्रियंका बोस और शुभम झा ने अपने किरदारों के साथ हर सिचुएशन और हर इमोशन को पूरी तरह से जस्टिफाई किया है। इन सभी कलाकारों की इंटेंस एक्टिंग की वजह से ही फिल्म की स्टोरी और इमोशन के साथ आप अपने आप को इस फिल्म से कनेक्ट कर पाते हैं। ये एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है, जिसका मैसेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्लियर और ऑनेस्ट है। ये उन फिल्मों में से एक है जिनमें सिवाय स्टोरी, कला और कलाकार की कुछ और मैटर ही नहीं करता है। मैं इस फिल्म को दूंगा 7.5 stars out of 10 और आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। ये एक डेफिनेटली you must watch फिल्म है। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगा आपको फिल्मी डिजाइनर के नए एपिसोड में विद मोर ऑनेस्ट रिव्यूज एंड रिकमेंडेशंस। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे के सफर में साथ में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साइनिंग आउट नाउ, सादर प्रणाम।